गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, गुजरात लोकेशन बाउंड्री एंड फिजियोग्राफी. मतलब हम इसमें गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात का लोकेशन कहाँ है इंडिया के अंदर ये पढ़ेंगे, और हमारे स्टेट की किन किन स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के साथ बाउंड्री मर्ज होती है या हम शेयर करते हैं हमारी बाउंड्री, वो हम यहाँ पढ़ेंगे. उसके अलावा फिजियोग्राफी भी हम उसका कवर करेंगे. स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक नोट देना चाहता हूँ. इन द प्रीवियस वीडियो वी एंडेड ओवर दिस पॉइंट ऑफ चैप्टर नंबर 6, द बिगिनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ. यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ हम लोग ने एंड किया था ये चैप्टर को, और फिर हमारे क्वेश्चन आंसर्स बाकी थे. लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन आंसर्स आपके होमवर्क है, और एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट चेंज ऑकर इन द लाइफ ऑफ मैन आफ्टर ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ, तो इसका क्वेश्चंस आपको, इसका आंसर जो है आपको पीडीएफ कर दिया जाएगा. लेकिन अदर देन दिस जो 3 है, ये आपको खुद रिसर्च करके होमवर्क करना है. बिकॉज राइट अबाउट योर रूटीन ऑन संडे, तो आपका क्या रूटीन है संडे को, ये आपको खुद यहाँ पर लिखना है. उसके अलावा है फिर 3rd क्वेश्चन है, इफ़ यू वर लिविंग इन अ जोमास विलेज व्हाट वुड बी योर एक्टिविटीज़, आप क्या एक्टिविटीज़ करते होंगे अगर आप जोमा के विलेज में होते, उस वक्त होते तो क्या करते. उसके बाद है कलेक्ट फोटोग्राफ्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सम एंशियंट साइट्स फ्रॉम द इंटरनेट, आपको कुछ पुराने एंशियंट साइट्स जहाँ पर मतलब हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ से हमें एविडेंस मिला है, उन जगहों का आपको इंटरनेट से रिसर्च करना है, और आपको उसका फोटोग्राफ कलेक्ट करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है. तो जैसे कि आप बोल सकते हो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल है, और इसके अलावा भी काफ़ी जगह हैं जो आप रिसर्च करेंगे अगर इंटरनेट पे, तो आपका काम इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि कैसे इसका आंसर लिखना है आपको. अदर देन दिस हम एक नए चैप्टर शुरू करते हैं. एज यू कैन सी, ये है हमारा गुजरात का मैप, और ये है गुजरात हमारा इंडिया में, इंडिया के मैप में ये रहा हमारा गुजरात का मैप. ओके, तो यहाँ पर हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट देखना है. डिस्ट्रिक्ट हमारा है सूरत, और सूरत यहाँ पर है. स्टूडेंट्स, आपको अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है. यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड केयरफुली वॉच हाउ इज आर लाइक हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डू वी हैव इन गुजरात स्टेट एंड हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव इन ऑल ओवरऑल इन इंडिया. ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल मैप है. फिर है द स्टेट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. हमारा जो गुजरात स्टेट है ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है. इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और हमारे वेस्ट में यानी कि हमारे जो ठीक समुद्र है हमारे साथ यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये तट है, जो कोस्ट है, कोस्टल लाइन है, ये पूरा इवन सूरत से भी होके जो यहाँ पे आ रही है, ये पूरा है अरेबियन सी से हम जुड़े हुए हैं. द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज बिटवीन 20.06 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 24.07 नॉर्थ लैटिट्यूड. सिमिलरली इट लाइज बिटवीन 68.07 ईस्ट लॉन्जिट्यूड एंड 74.28 ईस्ट लॉन्जिट्यूड. ये स्टूडेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में. उसके बाद आता है स्टूडेंट्स बाउंड्रीज. बाउंड्रीज हम 2 तरीके से शेयर करते हैं, एक है हमारा सी बाउंड्री और एक है हमारा लैंड बाउंड्री. यानी कि समुद्र से हमारी जो बाउंड्री यानी कि सीमा जो है वो लगती है अरेबियन सी में, और लैंड बाउंड्री के साथ हम राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके अलावा हम महाराष्ट्र, और उसके अलावा ये 3 स्टेट्स हैं हमारे जो फिलहाल हम अभी बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये 3 स्टेट्स से हम कनेक्टेड हैं. उसके बाद हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे लैंड बाउंड्री के बारे में. लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डैश इज इन द ईस्ट, डैश इन द वेस्ट, डैश इन द नॉर्थ एंड डैश इन द साउथ एंड डैश इन द नॉर्थ वेस्ट. तो आपको इसका आंसर लिखना है. यहाँ पर आपको मैप में जाना है. मैप में आपको नॉर्थ में क्या है, कश्मीर, ये एंड में क्या है, तमिलनाडु, यहाँ वेस्ट में हमारा गुजरात, और ईस्ट में हमारा बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो भी आपको दिखेगा यहाँ पे लास्ट में, बिकॉज स्टूडेंट्स मैं भी कैमरे पे हूँ तो मैं आपको यहाँ पे नहीं देख, इट इज़ नॉट विजिबल टू मी, आपको देखना है, और नॉर्थ ईस्ट का जो लास्ट स्टेट है वो आपको यहाँ पर कॉपी करना है. देन वी हैव स्टूडेंट्स सी बाउंड्री. सी बाउंड्री क्या है स्टूडेंट्स, हम अरेबियन सी के साथ जो बाउंड्री हमारी शहर होती है समुद्र में, जो कोस्टल लाइन है वो है करीब 1600 किलोमीटर लंबी, 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग, एंड दी लॉन्गेस्ट सी बाउंड्री अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया. यानी कि 1600 किलोमीटर का लंबा सी बाउंड्री हम शेयर करते हैं अरेबियन सी में, जो हमारा अरेबियन सी और हमारे बीच में जो कोस्टल लाइन है वो 1600 किलोमीटर लंबी है, और ये पूरे देश में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है जो कि हमारे पास है.
द बाउंड्री हैज़ द गल्फ ऑफ खंबात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, और ये जो बाउंड्री है इसके पास गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ है, मतलब कि दोनों, ये जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो खंबात, ये जो जगह है, ये जो देखो यहाँ पे पूरा समुद्र है और यहाँ पर आके नैरो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, गल्फ। तो गल्फ ऑफ, ये देखो ये कच्छ का है, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया और ये हो गया गल्फ ऑफ हमारा खंबात। ओके, नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। थिंग्स टू नो, अकॉर्डिंग टू द एरिया, सी एरिया, गुजरात इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। फाइंड आउट इट्स पोजिशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 11। एक्सपेंशन, द नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ गुजरात इज 590 किलोमीटर्स, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ लंबाई है वो है 590 किलोमीटर, एंड द ईस्ट वेस्ट लेंथ इज 500 किलोमीटर, यानी कि यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक साउथ है, हमारे सूरत के आगे नवसारी तक जाएंगे तो भी ये जो है ये है 590 किलोमीटर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा कच्छ से लेकर के यहाँ पे जो भी एंड अपना डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में 500 किलोमीटर, राइट। तो द जोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात इज 196.24 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ ओनली 6% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया, यानी कि पूरे इंडिया की जो एरिया अगर आप निकालोगे ना तो उसका केवल 6% हमारे गुजरात के पास है, जो कि है 196,024 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, द लैंड एरिया ऑफ गुजरात इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, हमारे गुजरात भी 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और सौराष्ट्र, जिसे हम कच्छ, सौराष्ट्र और कच्छ, ठीक है, ये 4 हिस्सों में हम इसे बांटते हैं। फिर है फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी रिफर्स टू द वेरियस लैंड फॉर्म्स, द फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात स्टेट इज वेराइड, वी कैन डिवाइड इट इंटू 5 पार्ट्स, प्लेन्स, हिली एंड माउंटेन एरियाज, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड कोस्टल प्लेन्स। स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया में, मतलब किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में अलग अलग टाइप्स के फिजियोग्राफी, यानी कि अलग अलग टाइप्स के उसमें जैसे कि लैंड फॉर्म्स होते हैं, तो जैसे कि प्लेन्स हो गया, हिलियन माउंटेनियस एरिया हो गया, प्लेट्यूज हो गया, डेजर्ट हो गया, जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट है, हमारे कच्छ में भी मतलब एक टाइप का, मतलब डेजर्ट टाइप का कुछ है जो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन वो डेजर्ट नहीं बोलेंगे हम, उसको कुछ और बोलेंगे। फिर हमारे पास कोस्टल प्लेन्स है, जैसे कि हमारा सोमनाथ है, हमारा फिर सूरत भी कोस्टल लाइन शेयर करता है, हमारा हजीरा जो है कोस्टल प्लेन कोस्टल लाइन शेयर करता है। यहाँ पर हम एक्चुअली कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपको कोस्टल लाइंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सो पहला पॉइंट है प्लेन्स, द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द गुजरात कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स, दिस प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल एंड आर देयरफॉर वेरी फर्टाइल। जो प्लेन्स है गुजरात में वो बने हुए हैं एल्यूवियल सॉइल के, यानी कि वो बहुत ही फर्टाइल है, ये एक सॉइल का प्रकार है एल्यूवियल, एलोवियल सॉइल, और वो बहुत ही फर्टाइल यानी कि बहुत ही उपजाऊ जो मतलब मिट्टी होती है। ओके, द प्लेन्स ऑफ साउथ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात आर मोर फर्टाइल, यानी कि साउथ गुजरात की और सेंट्रल गुजरात की जो जमीन है वहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है। द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी डेंस हियर, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ही घनी आबादी यहाँ रहती है। हिली एंड माउंटेनियस एरिया, द हिल्स एंड माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 रीजन, हिल यानी कि पहाड़, और ये जो पहाड़ी एरिया है ना उसे हमने गुजरात में 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, ताल गुजरात हिल्स एंड सौराष्ट्र हिल्स एंड कच्छ हिल्स, ये 3 हिस्सों में हमने बांट के रखा है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप हमने आज बहुत कुछ कवर किया है इस चैप्टर में, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास केवल कुछ ही पॉइंट्स रह गए हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, और उसके बाद आई विल गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर फाइनली। So till the next video, students, I hope you all have much enjoyed this session and got some useful information regarding Gujarat state and India. Thank you.